व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमएससी। ये मास्टर ऑफ साइंस नहीं है, इसका मतलब है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। क्या है ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, और क्या इसके डिसीजन होते हैं, और क्या इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, आप लोगों को हिस्ट्री के साथ में टोटल डिस्कशन इसका होने वाला है। काफी डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी में, चाहे एसएससी में, चाहे बैंकिंग में, आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये तो वर्ड समझ में आ रहा होगा, पर ये म्यूनिक क्या है? ये म्यूनिक एक लोकेशन है, एक एरिया है, यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को जर्मनी के अंदर। पहले तो आप लोग जर्मनी को मैप में देखिए, उसके बाद में फिर आप लोगों को म्यूनिक लेके चलता हूं। ये देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी, यहां पर जर्मनी। जर्मनी आप लोगों को यूरोप में कंट्री पड़ता है। और अगर जर्मनी में आप लोगों को थोड़ा म्यूनिक में मैं लेकर चलूं तो आप लोग थोड़ा डिटेल में इसको समझ पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहां पर इसका डिटेल में मैप। ये हो गया हमारा इंडिया यहां पर। अगर यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जूम करें तो आप लोग ये लोकेशन आप लोग यहां पर मैप में नजर आएगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये है जर्मनी। ओके, यहां पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं, हो गया जर्मनी। ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस वाले एरिया के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा यहां पर डिटेल में बात की जाए तो आप लोगों को जानने को मिलेगा, ये एक जर्मनी में स्टेट है। जर्मनी में स्टेट का नाम है यहां पर बवारिया। ये स्टेट यहां पर पड़ता है इस हर रिवर के पास में। तो ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी इस एरिया में, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ये यहां पर एक एरिया है, आप लोग इसको सिटी भी बोल सकते हैं यहां पर। ये इसका नाम है म्यूनिक। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ये एग्जैक्ट आप लोगों को मैंने यहां पर लोकेशन दिखाई। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। अगर बात करूं मैं इसके जर्मन के नेम की, तो ये यहां पर जर्मन का नेम है, आप लोगों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और पढ़ेंगे तो आप लोग इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से यहां पर थोड़ा इसको लिखा गया है। बस आप लोग ये याद रखेगा, एमएससी और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, बस इसके बारे में नाम याद रखेगा आप लोग, अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, कहां कहां से निकल कर आई और क्या क्या यहां पर, ये क्या क्या कंडीशन है और कब इसको स्टार्ट किया गया, ये कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बेस रहती है। मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराई जाती है, पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिक्योरिटी चल रही है उस पर फोकस देकर यहां पर चला जाता है। ये जो ऑर्गेनाइज कराई गई थी 1963 से स्टार्ट की गई थी और आज तक ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ओनली दो बार ये नहीं कराई गई है। वो दो बार कब नहीं कराई गई है वो भी हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को डिटेल में ये पता होना चाहिए कि ये इस तरीके की जो गैदरिंग है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ तरीके की गैदरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी और लार्जेस्ट इस तरीके की गैदरिंग है, जहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम नई नई आती जा रही है। जैसे आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया वाला इशू देख सकते हैं, या फिर आप लोग देख सकते हैं सीरिया वाला इशू, या फिर आप लोग देख सकते हैं साउथ चाइना वाला इशू, जिसमें वहां पर आप लोग देख सकते हैं चाइना अपना दादागिरी दिखाता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पिछले चार डिकेड से अगर हम लोग बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो यहां पर बात कर जाती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, तो बहुत सारे यहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट से यहां पर लोग पहुंचते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन यहां पर पहुंचता है, तो वो सब बैठ के यहां पर डिस्कस करते हैं। जब इनका डिस्कशन चलता है, सब अपनी अपनी पॉलिसी बताते हैं यहां पर क्या क्या चीजें चल रही है, और एक दूसरे से सीखा जाता है, समझा जाता है किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड को, देखिए यहां पर बात किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है पूरे वर्ल्ड की, और ओवर वर्ल्ड को यहां पर किस तरीके से हम लोग एक सिक्योर प्लेस बना सकते हैं, जहां पर सब लोग यहां पर आसानी से रह सके और इंजॉय कर सके। अगर बात की जाए यहां पर आज की डेट में जो गैदरिंग देखने को मिलती है, लगभग 350 सीनियर फिगर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। कंट्री के हेड्स भी देखने को मिलेंगे यहां पर, आर्मी से रिलेटेड जो पर्सनल है वो भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से यहां पर लोग आप लोगों को नजर आएंगे। लगभग 70 कंट्री आज की डेट में यहां पर पार्टिसिपेट करती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। डिबेट किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं हम लोगों के सामने, और उन चैलेंज जो हमारे सामने आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारे आप लोगों के यहाँ पर टॉपिक नॉर्मली नजर आते हैं। अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर ये एनुअली कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, ऐसा नहीं है कि एक साल हो गई और अगली साल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हर साल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और नॉर्मली टाइम पीरियड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा फरवरी में ही बिल्कुल मिड में या फिर एंड में आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज होती हुई नजर आएगी। अब की बार जो ऑर्गेनाइज कराई गई है 16 से 18 फरवरी को आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, बात की जा रही है 2018 की। ओके, और जो अब की बार ये कॉन्फ्रेंस थी, ये थी यहां पर 54th, तो 54 नंबर की कॉन्फ्रेंस थी।
तो 54th सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बैंकिंग में पूछे जा सकते हैं। हालांकि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर बैंकिंग वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगर बात की जाए यहां पर पार्टिसिपेशन की, तो आप लोग यहां पर हेड ऑफ द स्टेट नजर आएंगे। हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं? जिस तरीके से आप लोग हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, तो प्रेसिडेंट कौन है? वो है हेड ऑफ द स्टेट। अगर बात करें यहां पर प्राइम मिनिस्टर की, तो वो कौन हो गया? वो गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलिटी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो पॉलिटी में हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस भी की थी। अगर किसी ने पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो जाकर सारे पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं। 140 से ज्यादा पॉलिटिकल लेक्चर है, सबके लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट। ओके, बात की जाती है स्टेट की, या तो स्टेट का हेड हो, या फिर गवर्नमेंट का हेड हो, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर बात की जाए आप लोग देख सकते हैं G20 का नाम ले लीजिए, ठीक है, G7 का नाम ले लीजिए, या फिर यूरोपियन यूनियन का आप लोग नाम ले लीजिए, आसियान का नाम ले लीजिए। तो इस तरीके से भी मेंबर यहां पर आते हुए नजर आते हैं। मिनिस्टर्स आते हैं, अलग अलग मिनिस्टर, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो उसमें से अलग अलग मिनिस्टर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे। और देखिए ये वाला यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई रैंकिंग जो ऑफिसर होते हैं आर्म फोर्स के, वो भी आप लोगों को नजर आएंगे। साइंस के फील्ड से या फिर सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन और मीडिया सब यहां पर नजर आते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ ही पोर्शन बचा होगा जो यहां पर इसको अटेंड नहीं करता है। मतलब कहने का यह है, एक चहुमुखी डेवलपमेंट करने की यहां पर कोशिश की जाती है। हर एक डायमेंशन से यहां पर इंसान आ रहा है, और उससे हर एक डायमेंशन में यहां पर बात की जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी की थ्रेट ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, किसी भी एरिया में सिक्योरिटी की थ्रेट यहां पर हो सकती है। तो हर एक एरिया का अपना, हर एक एरिया का आप लोग बोल सकते हैं यहां पर 30 मार्क, हर एक एरिया में जो भी अपने आपको बहुत अच्छा समझता है वो यहां पर आकर अटेंड करता हुआ इसको नजर आता है। और बहुत सारी बातें यहां पर डिस्कस की जाती है, किस तरीके से आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड को एक सिक्योर प्लेस बना सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, खासकर इस ये वाला पॉइंट जो है लास्ट वाला, इस पर थोड़ा फोकस दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली ये तो नॉर्मली आप लोगों को जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की जाती है ये तो मिल ही जाते हैं, पर इसको आप लोगों को नॉर्मली कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर थोड़ा सा और आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलो, आप लोगों ने देखा वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, उसके बाद में वर्ल्ड वार सेकंड हुई। वर्ल्ड वार सेकंड होने के बाद में ये बात बोली जाती है कि अगर अब वर्ल्ड वार थर्ड होती है तो ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पृथ्वी पे से जीवन को नष्ट कर दिया जाएगा, इतनी ज्यादा आज की तादाद में हम लोगों के पास में वेपन हो गए हैं। तो किस तरीके से यहां पर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो सीधा सीधा मतलब एक तो यही निकल कर आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से एक दूसरे की जो हायर अथॉरिटी होती है गवर्नमेंटल, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर साथ ही साथ बात निकल कर आती है सिक्योरिटी किस तरीके से करी जाए, क्या क्या यहां पर पॉलिसी बनाई जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उन सब चीजों पर ये यहां पर डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए जो फर्स्ट मीटिंग यहां पर हुई थी, उसमें यहां पर आप लोगों को लिमिटेड पार्टिसिपेंट देखने को मिलते थे। वहां पर ओनली 60 ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहां पर इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये नाम याद रखिएगा, शेंगर, यहां पर देख सकते हैं इस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। वो तो आप लोग देख ही सकते हैं 1963 में यहां पर इसको एज ए नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में यहां पर इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात करूं कैंसिल की, तो ये अब तक दो बार कैंसिल हो चुकी है पास्ट में, एक तो 1991 में और दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी 1997 में। जो फर्स्ट बार 1991 में ये जो कैंसिल की गई थी, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट गल्फ वार में ड्यूरेशन में इसको यहां पर कैंसिल किया गया था। और जो सेकंड बार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है यहां पर जिन्होंने इसको फाउंड किया था, जिन्होंने इस पे वर्क किया था स्टार्टिंग में, जिसके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, कैलिस्ट सचमेंजेन। तो यहां पर जब ये रिटायर हुए थे, उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको यहां पर कैंसिल किया गया था। तो ये दो ड्यूरेशन आप लोग ओनली याद रख सकते हैं जिसके द्वारा इसको कैंसिल किया गया था। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, स्टार्टिंग में यहां पर आप लोगों को इंडिया या फिर ये चाइना या फिर एशियन कंट्री नजर नहीं आती थी, बाद में यहां पर ये कंट्री नजर आएंगी। स्टार्टिंग में यहां पर यूरोपियन एरिया ही नजर आता था। 1999 के टाइम पर इसको ओपन कर दिया गया था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के लिए, इंडिया के लिए, जापान के लिए, या फिर चाइना की आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये वाले एरिया से लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट करना इसमें स्टार्ट कर चुके थे। तो यहां पर ये 1999 से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज को पता होना चाहिए, मतलब अब इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कंफर्ट कि हाँ जाना ही जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर बस एक नोटिफिकेशन तो सबके पास में आती है, अब कौन जाता है वो अभी आप लोगों को यहां पर दिखा चुका हूं मैं कि कौन कौन यहां पर इसको अटेंड करता है। यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है,
ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑफिशियल गवर्नमेंट आते हैं वहां पर वो सब आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ऐसी कोई गवर्नमेंट की यहाँ पर मीटिंग नहीं है कि गवर्नमेंट के यहाँ पर चीफ आने जरूरी है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या एक तरीके से प्रेसिडेंट आने जरूरी है यहाँ पर, ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ठीक है ना। तो ये कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं है कि यहाँ पर ऑफिशियल इवेंट यहाँ पर होता है कोई, उस तरीके से आना जरूरी है यहाँ पर। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, जब यहाँ पर ये ऑफिशियली नहीं है तो दूसरी बात ये भी आप लोगों को नजर आएगी कि ये बाइंडिंग नहीं है, तो बाइंडिंग इवेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आएगा। कुछ एक्सेप्शन है अगर बाइंडिंग की यहाँ पर बात की जाए, ये क्या हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी न्यू स्टार्ट की, जिसके बीच में डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट किया गया था यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में, ठीक है। तो ये कब हेल्ड हुआ था आप लोगों को देखने को मिलेगा 2011 में, तो उस टाइम पर आप लोग बोल सकते हैं इसको थोड़ा बाइंड कर दिया गया था, और वो भी तभी हो पाएगा जब सामने वाले एक्सेप्ट करें तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। नॉर्मली अगर देखेंगे प्राइवेट है और ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। कुछ नजर डाल लेते हैं 2017 में जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी उसके बारे में। उस टाइम पर ये कॉन्फ्रेंस का नंबर था यहां पर 53। तो ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2017 में जो ऑर्गेनाइज कराई गई थी 17 से 19 फरवरी तक आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। 680 लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, लगभग 30 हेड ऑफ द स्टेट आए थे, 60 यहां पर रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थे और 65 टॉप बिजनेसमैन थे। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छे खासे लेवल की ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी, अब तक की सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस इसको बोला जा सकता है। ड्यूरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इस टाइम पर कई सारी बातें डिस्कस की गई थी, यूरोपियन यूनियन का क्या फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ब्रेग्जिट हो रहा है, मतलब जो यहां पर ब्रिटेन है वो बाहर निकल रहा है, कहां से, यूरोपियन यूनियन से। तो जैसे यहां पर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, तो इस तरीके से बोले जा रहा है कि क्या आगे आने वाले टाइम में यूरोप का फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि यूके जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इन सब बातों पे डिस्कस किया गया। आगे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा और भी कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बर्लिन के और वॉशिंगटन के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके से डिफेंस की एक्सपेंडिचर यहां पर इन लोगों को करना है, इस्लामिक टेरर आईएसआई का जो टेरर है आज की डेट में, आईएसआईएस जो टेरर है आज की डेट में, किस तरीके से उससे हम लोगों को निपटना है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर जो जर्मन है वो यहाँ पर अफ्रीका को असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, एक्सट्रीम पॉवर्टी या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट जो आज के डेट में कंडीशन है, किस तरीके से उसको टैकल करके चलना है, नाटो को किस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर करना है उसके बारे में क्या सोचना है, और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है खासकर नॉर्थ कोरिया को लेकर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को आप लोग जानते हैं नॉर्थ कोरिया हमेशा एग्रेसिव रहता है, खासकर जब बात की जाती है न्यूक्लियर वेपन को लेकर या फिर न्यूक्लियर वार को लेकर, जरा जरा सी बात में वो एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम अमेरिका पे अभी न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो ये उनका आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी यहां पर डिस्कस किया गया। अब देख लेते हैं यहां पर 2018 की जो कॉन्फ्रेंस हुई, 2018 की जो कॉन्फ्रेंस थी ये यहां पर आप लोगों को 54th कॉन्फ्रेंस यहां पर नजर आई। इसका जो मोटो था आप लोगों वो भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग, यहां पर इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है यहां पर जरूर, ठीक है ना। तो बात बोली जा रही है टू द ब्रिंक एंड बैक, मतलब क्या है, मतलब कगार पर न पहुंचे किसी भी चीज के, एक्सट्रीम लेवल पर न पहुंचे वहां से वापसी आ जाए, बहुत सारे एरिया में आप लोगों ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सीरिया के इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशूज है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर हम लोग पहुंच गए हैं, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहां पर अब की बार डिस्कस किया गया है। तो क्या क्या मेन पॉइंट रहे हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सीरिया के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सीरिया में जो सिविल वार चल रहा है उस पर फोकस यहां पर देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में आप लोग जानती हैं कितना ज्यादा एग्रेसिव प्रोग्राम है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर साइबर का जो डेंजर है आपकी बार, डेंजर साइबर का बहुत ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा यहां पर, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी थ्रेट आपकी बार आप लोगों को देखने को मिली, कई सारे ऑल ओवर वर्ल्ड पे अटैक किए गए यहां पर साइबर हैकर्स के द्वारा, तो उसके द्वारा भी यहां पर फोकस किया गया है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं फेसबुक या फिर गूगल पर बहुत सारी न्यूज ऐसी रहती है आज के डेट में जो कि मैनिपुलेटिंग रहती है, जो कि बेवकूफ बनाने वाली रहती है, या फिर आप लोग उनको फेक न्यूज भी बोल सकते हैं, उस पर भी यहां पर डिस्कशन देखने को मिला है कि किस तरीके से फेक न्यूज के साथ में किस तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि फेक न्यूज की वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई सारी कंट्री के बीच में लड़ाई तक होने की कगार पर चीजें पहुंच जाती है। अगर किसी कंट्री के हेड का यहां पर उसका अकाउंट यहां पर अगर उसका अकाउंट हैक कर लिया जाए और कुछ ऐसे कमेंट कर दिया जाए किसी दूसरी कंट्री के लिए, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इन सब चीजों से किस तरीके से टैकल किया जाए फेसबुक और गूगल में, इसके ऊपर भी फोकस यहां पर दिया गया था किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो हमारे द्वारा बनाई गई है और हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसका ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं,
तो किस तरीके से उसका ढंग से यूटिलाइज करना है इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये भी यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और हेल्थ सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं। जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है तो बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो उस पर भी फोकस यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थी अब की बार की 54th कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को देखने को मिली, काफी कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया गया, ऑल ओवर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फोकस किया गया सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है मतलब टू द ब्रिंक एंड बैक, तो मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट की कगार पर आज के डेट में पहुंच जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं चाइना के इंडिया के बीच में डोकलाम सेक्टर में जाकर खड़े हो गए थे, इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और आप लोग देख सकते हैं यूएसए के बीच में जो कंडीशन बन गई है, सीरिया में आप लोग समझ ही सकते हैं क्या कंडीशन चल रही है, सऊदी अरेबिया और इराक वाला आप लोग पोर्शन वहां पर, इराक कतर वाला एरिया आप लोग देख ही सकते हैं वहां पर। तो हर एक एरिया में कहीं ना कहीं हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंच जा रहे हैं, तो किस तरीके से वहां पर उससे निपटना और किस तरीके से उस एक्सट्रीम पोजिशन को यहां पर एक डायल्यूट पोर्शन बनाना है और मिलजुलकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को सिक्योर प्लेस बनाना है, तो उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। तो ये थी कंप्लीट कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने जानी। आइए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिला म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसकी जो आपकी बार ऑर्गेनाइज कराई गई है ये 16 से 18 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, फरवरी में 2018 में ऑर्गेनाइज कराई गई है। देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर 1963 में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी, म्यूनिक यहाँ पर एरिया है आप लोगों को देखने को मिला जर्मनी के अंदर में। स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो स्टार्ट जो की गई थी 1963 से, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग आज के डेट में इस तरीके की है। इसके अलावा एनुअल होती है, अब की बार मैं आप लोगों को बताई चुका हूँ कब हुई है, ये आप लोगों को देखने को मिला कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये पोर्शन आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा कि दो बार ये पास्ट में नहीं हुई है, 1991 में और 1997 में, ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट मतलब हमारी कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट या फिर जापान या फिर चाइना ने ये किया 1999 में। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला किस तरीके से कॉन्फ्रेंस है कि एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस है, ये ऑफिशियल नहीं है और यहाँ पर ये कोई बाइंडिंग कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को जानने को मिला 2017 के बारे में, और नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर 2018 के बारे में क्या क्या यहाँ पर बातें डिस्कस की गई हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, मिलता हूं मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे नैनो मैगजीन के तहत, हम लोग डिस्कस करेंगे योजना, ऑल इंडिया रेडियो, PIB, ये सारी चीजें हम लोग नैनो मैगजीन के तहत मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में 4 बजे मिलता हूं मैं आप लोगों को। ओके, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आने वाले टाइम में मैं इसको इंप्रूव कर सकूं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को भी सेव कीजिए, प्लास्टिक या फिर पॉलिथीन को कम से कम यूज कीजिए ताकि हम अपने एनवायरमेंट को बचा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।